हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आप लोग को पता ही है कि टर्म वन का रिजल्ट काफ़ी दिनों से डिले है। सीबीएसई टाइम टाइम पर आकर के ये बताती रहती है कि ये सर्कुलर फेक है, ये चीज़ है, लेकिन एक बार भी सीबीएसई ने आकर डेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जबकि आपको मैं बता दूं, स्टार्टिंग में जब आपके एग्ज़ाम्स हुए थे, मेरी एग्ज़ाम्स में ड्यूटी भी लगती थी, मैं कॉपी करेक्शन में भी जाता था, तो कॉपी करेक्शन में वो लोग इतना ज़्यादा मींस कॉपी करेक्शन, मार्क्स अपलोडिंग इतना ज़्यादा फास्ट वर्क हो रहा था कि मैं मॉर्निंग में 8:30 गया हूँ, 1 o'clock आपका पेपर ओवर होता था और 6 PM, 5:30, 6:30 ऐसे ऐसे टाइम मार्क्स अपलोड होने के बाद मैं वापस आया हूँ। कई बार ऐसा हुआ है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि सीबीएसई चाहती थी कि आपके फर्स्ट टर्म का रिजल्ट जल्दी से जल्दी दे दिया जाए। और ऐसा जब तक ये कोविड नहीं आया था, ठीक, तब तक ये प्लान भी था कि भाई आपको 15 डेज़ के अंदर रिजल्ट दे दिया जाएगा और उस टाइम पर वर्क बहुत फास्ट चला। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अभी सीबीएसई इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है। तो इसका सीधा सा रीज़न जो मुझे लगता है वो यही है कि कोविड की वजह से अभी वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें अभी रिजल्ट देना चाहिए या बाद में देना चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि टर्म टू कई जगह पर सही से हो ही ना पाए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो कहीं ना कहीं वो कोई वर्किंग में कहीं पर ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो वर्क नहीं कर पाए या रिजल्ट आपका प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ लास्ट के 2-3 एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था कि कॉपीज बोर्ड भेजी गई थी, बाकी सारी कॉपीज सेंटर पे चेक हुई थी। तो एक रीज़न तो ये कोविड का हो सकता है जिसकी वजह से ये रिजल्ट आपका डिले हो रहा है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि कुछ जगह पर ऐसा हुआ था, कुछ स्कूल में जहाँ पर सेल्फ सेंटर्स रहे थे वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई थी और उस वजह से हो सकता है कि भाई बोर्ड उन लोग, लेकिन इतना भी होता तो उस पर अभी तक एक्शन हो गया होता, तो वो कहीं रीज़न नहीं है, वो बोर्ड अपने लेवल पे चीज़ों को देखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोविड की वजह से अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई ये बोले कि भाई इस पर वर्क नहीं हो पाया या कुछ हो पाया तो वो मैं बिल्कुल उस पर मानने को तैयार नहीं हूँ। या ये बोला जाए कि वो लोग अलर्ट नहीं हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों पर, तो इस बात पर भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि जितने भी फेक सर्कुलर आ रहे हैं उसके बारे में तो आके वो एटलीस्ट बताते हैं, बट अपने आप से अभी तक रिजल्ट के बारे में उन्होंने नहीं बताया है। तो इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट का अभी आगे चल के डिले भी हो सकता है और कभी भी आ सकता है। ये सिर्फ इस सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे आपके एग्ज़ाम हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे या क्या कुछ रहेगा। आपका इस बारे में क्या आपको लगता है, क्या एक्चुअल रीज़न लगता है, या फिर आपको लगता है कि जो ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ या जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सही है, कोविड ही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम डिले हो रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बट सेकेंड टर्म का पढ़ते रहिए, क्योंकि कहीं से भी आप ये मान के मत चलिए कोविड हल्का सा भी कम होगा, स्कूल खुलेंगे और आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो आप लोग इसके लिए पढ़ाई करते रहिए। बाकी मेरे से जो भी हेल्प की नीड है वो बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब ना करो तो चैनल खो जाते हैं, पता नहीं चलता। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।